आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में डायल 100 जिसका नाम बदलकर डायल 112 कर दिया गया है, इसमें भर्ती कैसे होते हैं, इसका वर्ग क्या होता है और इसमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। डायल 112 यानी अब इससे पहले जो नंबर था वो 100 नंबर था, उसका मतलब है आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करना। अब डायल 100 की जगह डायल 112 कर दिया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपातकालीन नंबर है अपने देश का, भारत का। आप इसमें जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं, जैसे क्या है हमारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो गई, क्या है हमारे अग्निशमन से समस्याएं जो भी हैं, आप इस पर कॉल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं डायल 112 यूपी पुलिस से। यह एक उत्तर प्रदेश पुलिस के थाना स्थानीय पर रहकर ही काम करती है। इसका जो वर्ग होता है, अगर कोई व्यक्ति के साथ लूट होती है, मारपीट होती है, डकैती होती है और हाँ उसे कोई इमरजेंसी एकदम पुलिस की सहायता चाहिए तो वो डायल 112 पर कॉल करके बुला सकता है। वहाँ से जो डायल 112 पर कर्मी काम कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें इवेंट मिल जाता है। इवेंट नोट करने के बाद उस घटनास्थल की लोकेशन के बाद में वो वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में हालात देखते हैं, अगर वहाँ से वो कवर कर पाते हैं तो वहाँ से एक एक व्यक्ति को उठा के थाने पर लाकर छोड़ देते हैं, उनका इतना काम होता है। और अगर वहाँ पर हालात ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं तो वहाँ से वो फोर्स भी बुला सकते हैं। तो ये हो गया इनका वर्क। अब बात करते हैं कि ये भर्ती मतलब 100 डायल में जो होती है भर्ती कैसे होते हैं। तो भर्ती होने के लिए इसकी अलग से कोई भर्ती नहीं होती है, इसमें सिविल पुलिस थाना स्थानीय वगैरह या जितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज सिविल पुलिस होती है उन्हीं में से मांग आती है। मांग आने पर 2-3 दिन या 4-5 दिन के लिए जो भी मांग आती है आप प्रार्थना पत्र लिख के डायल 112 के ऑफिस में आपको देना होता है। आप वहाँ उसके ऑफिस में दे देंगे, जैसे ही वहाँ पर भर्ती आएंगी तो वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। फिर आपकी बेसिक 30 दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसमें 3 शिफ्टें होती हैं 8-8 घंटे की, 3 शिफ्टें 8-8 घंटे की होती हैं। आपको 8-8 घंटे वर्क करना होता है और 8-8 घंटे के बाद 16 घंटे आपको आराम कीजिए, कोई आपकी ड्यूटी नहीं होती है। आपको कितना भी कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आपको कोई वर्क नहीं करना है। बस आपको वर्क तब करना है जब कोई आपका साथी छुट्टी पर जाता है, तब आपको 12 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं। इसमें जो है दो प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं। एक होता है जो कमांडर होता है, जो वो उस पर एक टैबलेट होती है, टैबलेट पर इवेंट और टैबलेट पर काम करता है, जो उसमें इवेंट नोट करता है, इवेंट को लिखता है, उसकी इवेंट से रिलेटेड पूरी उसकी जिम्मेदारी होती है। और एक होता है ड्राइवर की, उसकी गाड़ी की जिम्मेदारी होती है, गाड़ी लेके जाना, डीजल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। साथ में एक होमगार्ड भी दिया जाता है, मतलब दो लोगों के लिए साथ में, मतलब एक 3 लोगों का स्टाफ कर दिया जाता है और एक हेड भी तैनात होता है। तो जितना मुझे पता था इस वीडियो में आपको मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।